सिर साटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, सिर साटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, ए बोल सा खेजड़ली गांव की भी और भी सड़ोई समाज की बेटी अमृता देवी का। और ओ पिछाड़ी ने स्मारक दिख रहे है, वो छे खेजड़ली गांव में जो 363 लोग शहीद हो गया था, अमर शहीद, बाकी याद में बनायेड़ो है। तो आज मैं आयोड़ा सा जोधपुर की यात्रा पर, और जोधपुर की यात्रा पूरी को नुए जब तक आपा खेजड़ली ना आवा। तो आज मैं था ने खेजड़ली गांव भी दिखावला और इंडे को स्मारक भी दिखावला और इंडे एक जम्बो जी को मंदिर से वो भी बतावला। राम राम सा, नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। तो लियो आओ देखा सा शहीद स्मारक सबसे पहलिया। दुनिया का इतिहास में था न शायद ही कोई यान की घटना मिले ली जो पर्यावरण के लिए अत्रो बड़ो बलिदान दे दिया है। तो वो स्मारक आप याद दिला रहे जो भी अमर बलिदान की। इंडे पास में एक दादाजी मिले जी, बासु आपा बात करा साहब। राम राम सा, राम 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 राम। तो मन ये बताओ कि खेजड़ली गांव की कहीं विशेषता से? हाँ, विशेष यही हुई है, खेड़ ही नहीं काटने देता। अच्छा, पहला किलो बनियो नी जोधपुर महाराजा रो, उन किला रे सुनो बन तो आट मारे गांव में। अच्छा, उन सुना रे करण खेड़ी करती पक तो सुनो कोयला पड़ा, उन करण जो कोई भी आया नहीं हम लोग परमात्मा भी खेड़ी के बातों गाल दी। अच्छा। जो बातों गाल ली जो ये अन्न भी बेड़ाई भी काट दो खेड़ी तो कटेगी। हाँ, क्या खेड़ी नहीं काटन दो, मान भी मारे जी हम जा तो जा, पर खेजड़ भी कौन काट पा देगा? खेजड़ नहीं काट, पेड़ पौधे नहीं काट, पेड़ पौधे काट नहीं माने देंगे, ये बात है, ग्राउंड की रक्षा करते हैं। तो वो छो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का मतलब है कि सभी गांव वाला आया अमृता देवी की लीडरशिप में और बा पेड़ा के बात भर लिया और बाकी गर्दन काटा गया और करीब 363 आदमी लुगाई बच्चा ऐसा रस शहीद होगा। बी के बाद में जोधपुर महाराजा ने पतो लागो और जोधपुर महाराजा फिर वन रुकवायो, माफी मांगियो और पेड़ ने काटवा को एक नियम भी बनायो, अमर पत्र लिख दिया। दोस्तों विश्नोया का 29 नियम से जो विश्नोई पूरी तरह से पालन करी थी और बानी विश्नोई पहले में थान दिखाया, अभी का ठीक पिछाड़ी ने एक दूसरो नयो मंदिर बनाया जी, बहुत भव्य मंदिर वो आपा देखा जा। और बतावेला राम राम जी, राम राम जी, काई नाम से था को? जय किशन, जय किशन जी, जय किशन। तो जय किशन जी आपा ने पूरा मंदिर को भ्रमण करवावेला। आओ ओ आगो भव्य मंदिर जो बहुत ही शानदार बनाए गए हैं, अभी की डिटेल जाना। समाज को जो सबसे प्रिय पेड़ में से वो है खेजड़ी और माँ खेती चाड़ी ने वो खेजड़ी को पेड़ से जिन्हें बिल्कुल भी कौन काटी। और वो देखो आपने भी था ना बता दू कि राजस्थान को राज्य वृक्ष भी खेजड़ी से और ये गांव को नाम भी खेजड़ी की वजह से ही खेजड़ली पड़ोड़ो से। इन्हें पहले बहुत सारी खेजड़ी सी जो अभी मैं खत्म बताई, तो वो खेजड़ी को पेड़ और यहाँ का खेजड़ी का पेड़ खूब सारा सी। इनके अलावा इंडे जाड़ का पेड़ भी सी, आपा बाकी भी बात करा था। अभी सन 1787 में एक ऐसी यहाँ घटना घटी थी जो यहाँ के राजा महाराजा अभय सिंह थे उनके सेवक गिरधरदास भंडारी के रूप में यहाँ आए और आसपास में उन्होंने चारों तरफ देखा तो ज़्यादातर खेजड़ी के पौधे या खेजड़ी के पेड़ जो खेजड़ी गाँव में ही इसी गाँव में थे, इसी गाँव में मिले गए और इसके ज़्यादा लगा होने के लिए उन्होंने भेजा कि यहाँ पे खेजड़ी के ज़्यादा पेड़ है तो ज़्यादा पेड़ है तो उसको उनको बोला कि हमारे महाराजा अभय सिंह जी को किला चल रहा था, किले का निर्माण, तभी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ लकड़ी की ज़रूरत है तो फिर ऐसे करो शीशा गलाने का, ऐसा है कि लकड़ी की ज़रूरत है तो उसको पेड़ों को काट के लाओ अपन यहाँ महल बनाएंगे। तब उन्होंने उसके सेवक भेजा, गिरधरदास भंडारी नाम का यहाँ सेवक था, वो टुकड़ी चला था, वो आया देखा बहुत सारे पेड़ थे, उसने
काटा शुरू कर दिया। पहले बोने होते थे वो वहाँ गए नहीं वापस, तो एक एक करके ऐसे गांव वालों को पता चला कि यहाँ कुछ लकड़ी की खिलड़ी काटने आए। तो फिर उन्होंने देखा काटते तो नहीं देंगे, सिर साटे रुक रहे तो भी सुस्त जान, या एक कहवत है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सुस्त जान, सिर कट जाए रुक रहे तो भी सबसे सस्ता चीज़ है ये। तो एक एक करते ऐसे करते करते सबसे पहले अमृता देवी बहने वाली थी यहाँ भक्तासनी के, उनके तीन बेटियाँ और उनके पति वो सबसे पहले आए और चिपक गए, और ऐसे करते करते 363 लोग शहीद हो गए। तो 363 एक साथ शहीद हो गए? हाँ वो एक साथ हो गए, मतलब दिन लगे थे एक दो तीन चार दिन ऐसे। तो 363 लोग जैसे ही मतलब समाचार सुना कि भाई खेजड़ी गाँव है और वहाँ खेजड़ी कट रही है, तो यहाँ पे 84 गाँवों के लोग आए धीरे धीरे करते करते सब इकट्ठे हो गए फिर लिपट गए पौधों के, तो पेड़ों के लिपटते उन्होंने 363। इसलिए उसको चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बोलते हैं इसको, क्या भाई चिप गए थे। 300 साल पुरानी बात, 1730 की बात है, आज से कम लगभग 300 वर्ष पहले ये घटना यहाँ हुई थी। अच्छा ये जो जाड़ के पेड़ बता रहे हो आप, हाँ। ये भी बताते हैं कि उसी टाइम के हैं? हाँ उसी टाइम के हैं, आज से काफी, ये बहुत काफी पुराना ये, और ये जाड़ काफी बहुत पुराना। अच्छा, ये दो तीन पेड़ बचे हुए उसी टाइम? हाँ उसी टाइम के, उनको ये छांव है बहुत इसकी गहरी है। दोस्तों देखो ये भी बहुत गजब का पेड़ सी, करीब 300 साल पुराना पेड़ बता रहे थी, और करीब तीन पेड़ बता रहे थी जो अभी बच रहे थे, मतलब बी टाइम का जब वो आंदोलन हुए जो जाड़ को पेड़। आपका नाम साहब? मेरा नाम सुभाष गोदर है, यहीं से जल्दी से, यहीं से। यहाँ मेला कब लगता है? भादो सुदी दशम को लगता है, भादो आता है साल में एक बार, ये वहाँ पे जो स्मारक बन रहा है JDS है, उसमें क्या आपको ज़्यादातर सब पेडेस्टल है चॉइस, उसमें मिल जाएंगे 363 के नाम मिल जाएंगे, और उसका आपको विवरण मिल जाएगा कब हुआ क्या हुआ कितने तारीख को हुआ। बाकी सबको रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड है वो बन रहा है अभी मेरे खून के कारण 363 लोगों का शहीद हुए थे, उन्हीं की माटी दी हुई है वहाँ पे, खून के कारण वहाँ पे आज तक ये घास नहीं होती है। वही स्थान है, मतलब वही दफनाया गया था, मतलब जलाते नहीं है? नहीं नहीं जलाते, दफनाते इसने सफरदार इसको कहते हैं कि जो मतलब जम्बेश्वर भगवान ने मतलब विष्णु ही बनाया, उसी दिन थे मतलब ये विष्णु संप्रदाय का मतलब उत्थान हुआ मतलब पंथ चलाया गया, इसलिए इसको बोले विष्णु पंथ। के बाद में जो भगवान जाम्बू जी ने 29 नियम बताए, उसके नियम में ऊपर चलते रहो भाई हम। तो वो 29 नियम कौन कौन से हैं वो भी हमें बताओ। ये बताऊँ आपको कि पहला तो है 30 दिन सूतक। अच्छा, जो मतलब बच्चा जन्मता है उस महिला को 30 दिन अलग रहे, तो मतलब 30 दिन के लिए उसको मतलब अलग रखा जाता है। अच्छा ठीक है ना विष्णु। आपका नाम महाराज? मेरा नाम शंकरदास है। शंकरदास धन्यवाद सर। मन तो दादा जी जोरदार लगी था, ये मूछा और सापो है। दोस्तों ओचो खेजड़ली गांव जो आपका प्रकृति प्रेम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, और इंडिया का लोग जो पेड़ा के लिए बलिदान दे दिया, आप अभी भी देखा तो था ना वो खेजड़ली गांव, और वो वीडियो का शौक लगे हो, अगर अच्छा लगे हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा।